सुप्रभातम बच्चों, महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप, कोटा से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक रुचि राके प्रथम भाग से प्रथम पाठ। जो अपनी नई पुस्तक है वो ऐसी है, प्रथम पाठ, पहला पाठ, शब्द परिचय। प्रथम पाठ का नाम है शब्द परिचय। एषः क, इस चित्र के सामने जो ये लिखा हुआ है यहाँ पढ़ेंगे, एषः क, एषः यह, कह क्या है, यह क्या है, एषः चषक, यह गिलास है, चषक मतलब अर्थ है गिलास, एषः चषक, यह गिलास है, किम एषः वृहत, क्या यह वृहत बड़ा है, क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है, नहीं, एषः लघु, नहीं यह छोटा है। दूसरा चित्र देखेंगे, स क, स का मतलब होता है वह, कह कौन है, वह कौन है, सह सोचिक, ये जो दो बिंदी दिख रही है इसे विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण करते हैं ह, सह सोचिक, वह दर्जी है, सोचिक किम करोति, सोचिक दर्जी किम क्या करोति करता है, दर्जी क्या करता है, किम स खेलति क्या वह खेलता है, किम क्या स वह खेलति खेलता है, क्या वह खेलता है, नहीं, स वह वस्त्रम सीव्यति, वस्त्र सिलता है, कपड़े सिलता है। एतो को, ये दोनों कौन हैं, एतो ये दोनों को कौन हैं, ये दोनों कौन हैं, एतो शुनको स्तः, ये दो कुत्ते हैं, शुनको दो कुत्ते, एतो ये दोनों स्तः है, ये दोनों दो कुत्ते हैं, किम क्या, एतो ये दोनों गरजत गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं, नहीं, ए तो उच्चे बुक्कत, नहीं ये दोनों उच्चे मतलब जोर से ऊंचा बुक्कत भोगते हैं, नहीं ये दोनों जोर से ऊंचा भोगते हैं। तो को, वे दोनों कौन हैं, तो वे दोनों को कौन हैं, वे दोनों कौन हैं, तो वे दोनों बलिवर्धो, बलिवर्ध कहते हैं बेल को, इस तरह है वे दो बेल हैं। किम तो धावत, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, किम क्या तो वे दोनों धावत दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, नहीं, तो वे दोनों क्षेत्रम कहते हैं खेत को, कृषत जोतते हैं, नहीं वे दोनों खेत को जोतते हैं। अगला है, एते के, ये सब क्या है, के क्या, एते ये सब, ये सब क्या है, एते है शूताहा संति, ये सब ठेले हैं, बैग हैं, किम एते हरितवर्णा, किम मतलब क्या, एते ये सब हरितवर्णा हरे रंग के हैं, क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं, एते नीलवर्णा संति, ये सब नीलवर्णा नीले रंग के संति हैं, नहीं ये हरे रंग के नहीं हैं, ये नीले रंग के हैं। अगला देखेंगे, ते के, ये सब क्या है, ये सब कौन है, ते वृद्धाः संति, वे सब बूढ़े हैं, किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं, गा रहे हैं वो, नहीं नहीं गा रहे, ते हसंती, वे हंस रहे हैं। बच्चों, अभ्यास कार्य में जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखो, क, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजन ये वर्ण है, अलग अलग वर्ण है, इनसे मिला करके एक शब्द बनाना है, जैसे यहाँ पर इन सब ये वर्णों से ये शब्द बनाया हुआ है, वैसे ही अपने को बाकी इन शब्दों से वर्णों से मिला करके शब्द बनाना है। ये देखो, च, च के नीचे जो ऐसा लगा हुआ है इसे संस्कृत में हलंत कहते हैं, और ये प्लस का निशान दिख रहा है उसे धन कहते हैं,
तो च और धन अ, तो ये देखो च आधा है, इसमें अ मिला, पूरा च बन गया। फिर श आधा है, आधा क्यों है, क्योंकि हलंत लगा हुआ है। फिर अ, तो श आधा है, अ मिला, श पूरा बना। धन क आधा है, हलंत लगा हुआ है, धन अ। और ये जो दो बिंदी दिख रही है ये विसर्ग है, तो ये कह, च श कह, चषक, चषक का अर्थ पता है आपको, गिलास, जो आपने अभी पढ़ा। स हलंत वाला, धन ओ सो, च धन ई ची, क धन अह। ये इसको ह पढ़ेंगे दो विद्यों को, विसर्ग इसको ह कहेंगे, सोची कह, यहां लिखेंगे सोची कह। आगे के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। सेकंड देखते हैं, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यहां पर तो वर्णों से शब्द बनाए हैं और यहां पर शब्द बना हुआ है, इसे वर्ण बनाने हैं, टुकड़े करने हैं। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है लघुहु, अब यहाँ पर शब्दों के टुकड़े किए, वर्ण बनाए, ल हलंत वाला, इसके बाद धन अ, तो ये शब्द क्या बना, ल। वैसे ही जो बाद वाला शब्द बचा घु, इसको इसके टुकड़े करने हैं, तो हलंत वाला आएगा, इसमें ऊ मिला तो क्या बनेगा, घु। फिर विसर्ग लगा हुआ है, अपने को भी लगाना है, लघु ऐसे अपने को बनाना है। तो यहाँ देखते हैं सिव्यति, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सिव्यति। अब देखो स हलंत वाला, स इसके बाद मात्रा लगानी है, अब कौन सी मात्रा आएगी, छोटा ई या बड़ा ई, बड़ा ई, तो स धन बड़ा ई, स कौन सा आएगा, हलंत वाला, धन व, व देखो आधा है या पूरा है, आधा है, तो हलंत वाला ही व आएगा। उसके बाद य, य लिखेंगे हलंत वाला, उसके बाद क्या मिला हुआ य में पूरा बनाने के लिए, अ शब्द बना य। फिर त, त आएगा हलंत वाला, इसके बाद देखो जो मात्रा आएगी, जैसे यहाँ पर ऊ की मात्रा आई, यहाँ पर इसकी मात्रा आएगी ई की, अब आपको पता है छोटा ई या बड़ा ई, वेरी गुड, बहुत अच्छा, छोटा ई। तो यहाँ ऐसे आप स्वयं आगे के बनाएंगे, और आगे आशा है बच्चों आपको आज का पाठ पूरा समझ आया होगा। धन्यवाद।